बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्टिब्रेट के हमारे पास जो तीसरा ग्रुप है वो उसको हम कहते हैं मोलस्क कहते हैं। मोलस्क क्यों कहते हैं? तो हमारे आप देख सकते हैं मोलस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसमें इसमें जो सारे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल शामिल हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट बॉडीड होते हैं और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। बाकी एनिमल्स की तरह इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, रिंग्स की शक्ल में डिवाइडेड नहीं होती बल्कि बिल्कुल अनसेगमेंटेड होती है, टोटली एक ही बॉडी होती है इनकी। तकरीबन अगर हम इसके मेंबर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास तकरीबन इसमें 85,000 स्पीशीज़ हैं। और अगर फॉसिल्स की बात करें तो पहले पुराने ज़माने में जो गुजरी हुई फॉसिल्स हैं जो अब एक्सटेंट हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं, उनकी तादाद तकरीबन 6,000 बनती है। हमारे पास टोटली सी एनिमल्स हैं, सिर्फ उसी सी में रहते हैं हमारे पास। अच्छा, एक और बात आपको बताना भूल गया, सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट ग्रुप आफ्टर आर्थ्रोपोडा। और अगर इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करें तो आर्थ्रोपोडा के बाद ये सबसे बड़ी तादाद में इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप है। अच्छा, मैनी हैव शेल्स फॉर हाइडिंग व्हेन डिस्टर्ब्ड आर फ्राइटेंड। अच्छा, एक इसमें एक और बात भी है कि मोलस्क में कुछ एनिमल्स में हमारे पास शेल्स होते हैं, एनिमल्स के पास शेल्स होते हैं। तो ये अपने आप को डिफेंस के लिए, ये शेल डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जब कोई इनको डिस्टर्ब करे या जब ये डर जाए तो ये शेल में अपने आप को छुपा लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास है जो स्नेल है, जो जिसको हम घूंगा भी कहते हैं, कटल फिश है, ऑक्टोपस है, ये हमारे पास आम एग्जांपल्स हैं। अगर हम आपको पिक्चर भी दिखा सकते हैं, ये हमारे पास है कटल फिश, उसको हम कहते हैं, हमारे पास कॉकल है, ये हमारे पास स्नेल है या जिसको हम गार्ड स्नेल भी कहते हैं। उसको पश्तो में हम सीपी भी कहते हैं, उर्दू में हम इसको सीपी कहते हैं, पश्तो में हम इसको कुंजका भी कहते हैं। ये भी एक सी एनिमल है और ये फाइलम मोलस्क में शामिल है। ऑक्टोपस या कटल फिश भी हमारे पास मोलस्क का ग्रुप में शामिल है और ऑक्टोपस भी हमारे पास मोलस्क ग्रुप में शामिल है। हम अब अगर इसके मेन एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करें तो गार्डन स्नेल है, जिसके हम एक्सटर्नल फीचर्स और लाइफ हिस्ट्री वगैरह सब सबके साथ डिस्कस करेंगे आज। तो गार्डन स्नेल रहता कहाँ पे है? लेब एंड गार्डन में रहता है। बारिश आमतौर पर बारिश के दिनों में जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये अपने बुरोज से या सुराखों से बाहर निकल आते हैं। नॉक्टर्नल है, एक्टिव एट नाइट रात के वक्त खुराक के लिए निकलता है दूसरे इंसेक्ट्स की तरह, लेकिन दूसरे इंसेक्ट्स की तरह ये सफ़र बहुत लंबा करता है। दूसरे इंसेक्ट्स थक जाते हैं, लंबा सफ़र नहीं कर सकते, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते खुराक के लिए, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स करता है। और सबसे अगर आप एक और दिलचस्प बात बता सकूँ तो गार्डन स्नेल हमारे पास सबसे दुनिया का सबसे सुस्त तरीन एनिमल है, इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा कम है। डिफेंस के लिए इसके पास इसके ऊपर के हिस्से पर प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक शेल होता है जिसके ज़रिए अपने आप को डेंजर से या हॉफ से या फ्राइटन जब डर जाए या खतरे के हालत में अपने आप को उस शेल में अपने आप को छुपा लेते हैं। आप देख सकते हैं ये शेल है, जब ये डर जाता है, जब स्नेल डर जाता है या फिर उसको कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर ये अपने आप को या अपने एनिमी से बचने के लिए अपने आप को इस शेल में छुपा लेते हैं और उस वक्त तक बाहर नहीं निकलते जब तक इसको पता ना चल जाए, इसको महसूस ना हो जाए कि आप खतरा टल चुका है। अच्छा, अगर हम इसके बात करें एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ अ स्नेल के, तो हमारे पास अनसेगमेंटेड बॉडी है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, रिंग्स की शक्ल में डिवाइडेड नहीं है, बिल्कुल एक ही बॉडी है, टोटल एक ही बॉडी है फ्रॉम हेड टू टेल। मेड अप ऑफ थ्री रीजन्स, तीन हिस्सों से बनी है, द हेड रीजन, द बॉडी विद शेल एंड द फुट रीजन। अगर हम हेड रीजन के बारे में बात करें तो हमारे पास हेड रीजन में कौन कौन से ऑर्गन मौजूद हैं? बियर माउथ है हमारे पास मौजूद है, टू पेयर ऑफ फिलर्स मौजूद है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, वन पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट ऑन लॉन्ग फिलर्स, हमारे पास लॉन्ग फिलर्स पर
एक जोड़ा आंखों का होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म की फीलर्स हैं, लॉन्ग फीलर्स भी हैं और शॉर्ट फीलर्स भी हैं। लॉन्ग फीलर्स के बिल्कुल सिरों पर हमारे प्लेयर्स पास ब्लैक कलर्स के दाग होते हैं जिसको हम आंखें कहते हैं। ये दो आंखें होती हैं इसी जगह पर मौजूद होती हैं। ये शॉर्ट फीलर्स जो हैं ये हमारे पास सेंसिटिविटी के लिए काम आती है, टच और स्मेल के लिए हमारे पास काम आते हैं। दूसरी बात, हमारे पास और स्नेल में हमारे पास ना कोई आंख ना कोई कान होते हैं और ना नोज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके ऑर्गन है वो है बॉडी और बॉडी को हम डिस्कस करेंगे। द स्नेल बॉडी लाइज इनसाइड अ शेल एंड इज कवर्ड बाय अ टिश्यू कॉल्ड मेंटल। द शेल ऑफ अ स्नेल इज सीक्रेटेड बाय मेंटल। अच्छा, इसकी जो बॉडी है वो किस चीज से बनी है? वो शेल से बनी है और शेल के अंदर का जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, उस टिश्यू को हम कहते हैं मेंटल कहते हैं। स्नेल में जब ये शेल बनता है तो उसके लिए सिक्रीशन कौन करता है? वो मेंटल लेयर करती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं शेल आता है। लुक लाइक अ ट्विस्टेड कॉइल, द टिप ऑफ द कॉइल इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द शेल। एज स्नेल ग्रो इट एडेड मोर शेल सब्सटेंसेस। सो एज शेल ग्रो shell also grow। अगर हम बात करें तो ट्विस्टेड बॉडी है इसकी, बिल्कुल कॉइल की तरह ट्विस्टेड है। इसके बाद अगर इसके टिप के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्नेल के शेल में जो है ये हिस्सा बनता है, इसी वजह से सबसे पुराना वाला हिस्सा ये होता है। और जैसे जैसे ही स्नेल ग्रो करता है इसके शेल्स में इजाफा होता है, इसके रिंग्स में आप जो ये रिंग्स देख रहे हैं इनके रिंग्स में इजाफा होता है, वक्त के साथ साथ इनमें इजाफा होता है। जैसे कि हमने पिछले फर्स्ट ऑफ के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ट्री का जो लॉग है अगर हम उसके सिरे पे देखें तो उसमें छोटे छोटे से रिंग्स बने होते हैं। उस रिंग से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ट्री की उम्र कितनी है और ये रिंग्स एक साल के बाद इसमें ऐड होते हैं। तो इसी तरह इसमें कुछ वक्त के बाद जैसी जैसी स्नेल ग्रो करता है इसमें रिंग्स, इसके शेल्स में रिंग्स ऐड होते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो हिस्सा आता है उसको हम फुट कहते हैं। यह हमारे पास स्नेल का फुट एरिया है। फुट एरिया अगर हम फुट के बारे में डिस्कस करें तो स्नेल मूव बाय मींस ऑफ फुट। फुट के जरिए मूवमेंट करता है। फुट इज सॉफ्ट एंड फ्लैशी, नरम होता है और फ्लैशी होता है। स्नेल्स सीक्रेट स्लिम a type of mucus which lubricates ground so that snail can move easily. अच्छा, स्नेल जो है एक खास किस्म मुँह के नीचे से एक खास किस्म का हिस्सा है जिससे ये स्लिम प्रोड्यूस करता है। स्लिम क्या है? स्लिम एक लुब्रिकेंट है या म्यूकस है जो ग्राउंड को लुब्रिकेट करता है, जिसके ज़रिए स्नेल को मूवमेंट में आसानी होती है, फ्रैक्शन रिड्यूस होती है, रगड़ कम होती है, जिसकी वजह से उसको मूवमेंट में आसानी होती है और थोड़ा तेज़ी से ये मूव कर सकता है। तो ये है हमारे पास सेकंड टर्म चैप्टर एंड हो गए हैं। सेकंड टर्म इतनी इस जगह तक था, स्नेल तक था। और इंशाल्लाह फिर हम आगे कुछ और वीडियोज़ में एक्सरसाइज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।